लखनऊ में काले धन को खपाने के आरोप में घिरे सफायर विला बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई ने छापामार। सफायर विला बिल्डर के ऑफिस और मकान पर सीबीआई की टीम पहुंची और प्रोजेक्ट में काले धन को खपाने के आरोप है और इसके अलावा एक आईएएस अफसर के काले धन को भी व्हाइट मनी बनाने का आरोप है। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए सीबीआई ने एलडीए से सफायर बिल्डर से जुड़ी सभी आर्थिक जानकारियां मांगी। तो सीबीआई ने एलडीए से सफायर बिल्डर की सारी डिटेल्स मांगी हैं। आपको बता दें कि यहां पर कई आरोप इन पर लगे हैं, अपने प्रोजेक्ट्स में काले धन को खपाने का आरोप, आईएएस अफसर की ब्लैक मनी खपाने का भी आरोप। तो लगातार सफायर बिल्डर के ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी भी कर रहा है। वाराणसी में पुलिस ने बच्चा चोरों के एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया और इस गिरोह में 10 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस बच्चा चोर गिरोह के पास से पुलिस ने 3 बच्चों को बरामद किया। ये गिरोह यूपी, झारखंड और राजस्थान में सक्रिय था। बच्चों को चुराकर 2 से 5 लाख रुपए में बेच दिया करता था। कुछ दिन पहले वाराणसी में भी सड़क पर सो रहे गरीब परिवार के बच्चे की चोरी की तस्वीरें सामने आई थी। इस गैंग ने अब तक करीब 8 बच्चों की चोरी को अंजाम दिया। दलालों की मदद से बिहार, राजस्थान, यूपी और झारखंड में बच्चों को बेच दिया करता था। तो बड़ी सफलता पुलिस को यहां पर हाथ लगी। और वहीं प्रयागराज में ऑनलाइन ठगी गैंग का पर्दाफाश हुआ। पुलिस की गिरफ्त में गैंग के सरगना समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। ट्रेजरी अफसर बन पुलिस पेंशनर्स को निशाना बनाते थे और फोन पर ओटीपी और गोपनीय दस्तावेज ले लेते थे। ऑनलाइन ठगों पर साइबर क्राइम थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 5 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए। ऑनलाइन ठगी को अंजाम दिया करते थे, फोन पर ओटीपी और गोपनीय दस्तावेज ले लेते थे। मुरादाबाद में थाने में हार्ट अटैक से शख्स की मौत हो गई। बहन के साथ शिकायत के लिए शख्स आया था। थाने में अचानक हालात बिगड़े और ऐसे में अस्पताल भेजा गया। डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। मौके पर एसपी मुरादाबाद के कुंदर की थाने का यह पूरा मामला। बहन के साथ यहां पर शिकायत लिखाने के लिए एक शख्स गया था, लेकिन अचानक से उसकी तबीयत वहां पर बिगड़ गई, जिसके बाद अस्पताल भेजा गया, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर। देहरादून से दिल्ली के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल शुरू हो गया और दूसरी तरफ दून से गोवा के बीच डायरेक्टर फ्लाइट शुरू हो गई। इसलिए हम कह रहे हैं कि देवभूमि के लिए डबल उड़ान है। देहरादून से दिल्ली सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल देहरादून से दिल्ली के बीच अब वंदे भारत एक्सप्रेस भी चलेगी और ऐसे में 25 मई से ये ट्रेन दिल्ली और देहरादून के बीच दौड़ने लगी। देहरादून से दिल्ली के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों का सफर अब और सुहावना होने जा रहा है। दिल्ली से देहरादून के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत होने जा रही है। 25 मई को सुबह 11 बजे वंदे भारत ट्रेन को देहरादून से हरी झंडी दिखाई जाएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस 25 मई से चलनी शुरू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस शुभारंभ में शामिल होंगे और साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां से ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक सुविधाओं से लैस है। इसमें सफर करने पर लग्जरी लाइफ का एहसास होता है। साथ ही ट्रेन की सीटें इस तरह से डिजाइन की गई हैं कि सफर में थकान नहीं होगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की अगर बात करें तो ये अपने आप में लग्जरी ट्रेन है और पहली बार है कि जब देहरादून से जो यात्री जाते हैं उनको आरामदायक सफर मिल सकेगा। यहाँ पर आप सीटें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बनाई गई हैं और इसमें अच्छी सुविधाएं रखी गई हैं ताकि जो यात्री हैं उनको आरामदायक सफर मिल सके। देहरादून से दिल्ली के बीच वैसे तो कई ट्रेनें चल रही हैं, मगर इनमें शताब्दी और जन शताब्दी ट्रेन ही सबसे कम समय में पहुंचती हैं। मगर वंदे भारत एक्सप्रेस इनसे भी कम समय में देहरादून से दिल्ली पहुंच जाएगी। रेलवे के मुताबिक इस ट्रेन को दून से दिल्ली पहुंचने में करीब 4.5 घंटे का वक्त लगेगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।